बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लासू, हाउ आर यू ऑल? आई होप डेट यू ऑल आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी गोइंग टू डू साइंस वर्क, सो ओपन योर साइंस कॉपीज। आज हमने साइंस कॉपी का वर्क करना है, सो ओपन योर साइंस कॉपी, ड्रॉ मार्जिन लाइन एंड मेंशन डेट एंड डे। आपने अपनी कॉपी को पेज को रेडी करना है। आज हमने करना है जी क्वेश्चन वन, सो लिसन टू मी केयरफुली, जिससे आपको लर्निंग करने में आसानी होगी और आपको राइट करने में भी ईजिली होगा, आप आसानी से लिख पाओगे। सो राइट इन फर्स्ट लाइन यूनिट नंबर 9, देन यू हैव टू राइट इन सेकेंड लाइन फोर्सेस, जो हमारा चैप्टर नेम है। उसके बाद आपने थर्ड लाइन में लिखना है जी आंसर द क्वेश्चन। आंसर द क्वेश्चन मतलब हमने एक क्वेश्चन को राइट करना है। देन राइट इन नेक्स्ट लाइन क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ डज अ फोर्स एक्ट ऑन समथिंग। अब आपने क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसमें प्रॉपर फिंगर स्पेस है, तो आपने भी प्रॉपर स्पेस के साथ क्वेश्चन को राइट करना है। अब क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं, हाउ डज अ फोर्स एक्ट ऑन समथिंग, कि जो फोर्स है वो किसी चीज़ पे कैसे एक्ट करती है। समथिंग मतलब किसी भी चीज़ पे, एक्ट मतलब काम करती है, अमल करती है, तो फोर्स किसी चीज़ पे कैसे अप्लाई होती है, ये काम करती है। देन राइट इन नेक्स्ट लाइन आंसर एन आसा, हमारा आंसर क्या है जी, फोर्स कॉजेस मूवमेंट। फोर्स जो है, कॉजेस मतलब वजह बनती है, मूवमेंट मतलब हरकत की, कि फोर्स जो है वो हरकत की वजह बनती है, कि जब तक आप किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो जो चीज़ है वो मूव करेगी, मतलब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो चीज़ मूव करेगी। विदाउट एनी फोर्स कोई भी चीज़ मूव नहीं करती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा जा रहा है कि जब आप किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसमें मूवमेंट की वजह बनती है वो। सेकेंड इज दे कैन चेंज, वो तब्दील कर सकते हैं डायरेक्शन को एंड शेप ऑफ समथिंग, और किसी की शक्ल को। वो कह रहे हैं कि जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी भी चीज़ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल मूव कर रही है, सेकेंडली दे कैन चेंज द डायरेक्शन, वो उस चीज़ की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, एंड शेप ऑफ समथिंग, और उसकी शेप में भी चेंज कर देती है। जैसे आपने रीडिंग में पढ़ा था स्क्वैश प्लेयर का, कि जब वो बॉल को हिट करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जब वो हिट कर रहा है तो वो एक डायरेक्शन में उसको थ्रो कर रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। सेकेंडली डायरेक्शन चेंज कैसे हुई, जब एक तो फेंकने पुश पुल करने वाला है, पुश करने वाला है, और एक पुल करने वाला है, मतलब कि एक थ्रो कर रहा है और दूसरा उसको हिट कर रहा है, तो एक ने जिस डायरेक्शन से फेंका दूसरे ने उसी डायरेक्शन में उसको थ्रो किया, तो उससे उस बॉल की डायरेक्शन चेंज हुई। सेकेंडली जब उसको थ्रो कर रहे हैं बॉल को, तो बॉल की जो है वो शेप चेंज हो रही है। पहले वो सर्कल में था, जब उसको हिट किया गया तो वो लाइट से शेप उसे चेंज करके ओवल शेप में वो थ्रो हो रहा है। ये चीज हमारा क्वेश्चन वन था, जिसमें हमने पढ़ा कि जो फोर्स है वो किसी चीज़ पे कैसे एक्ट करती है, कैसे अमल करती है। ये स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन को बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी साइंस कॉपीज पे राइट करना है, स्पेलिंग को अच्छे से लर्न करना है, इनकी प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको मीनिंग आने चाहिए हर वर्ड के, मैंने साथ साथ बताया है रीडिंग में अभी, तो आपने इसको अच्छे से लर्न करना है और नीट एंड क्लीन कॉपीज पे राइट करना है। क्वेश्चन राइट करने के बाद स्टूडेंट्स, अब आपको ये वर्कशीट दी जा रही है, सामने होगी, इसको आपने अपनी कॉपीज पे नोट डाउन करना है। इस वर्कशीट में क्या कह रहे हैं जी, सो लुक एट योर लुक एट हियर, मैं रीड आउट कर रही हूँ, चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट सेंटेंस। आपने वर्ड को चूज़ करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट मैं रीडिंग कर रही हूँ, नेक्स्ट हमारी फोर ऑप्शंस हैं, जिसमें से वन ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। फर्स्ट वन इज़ फोर्सेस मेक्स थिंग्स, फोर्स जो है वो चीज़ों को क्या बनाती है, क्या बनता है उससे, उसको वो मूव करती हैं चीज़ें, जंप करती हैं, वॉक करती हैं, या स्पीक करती हैं। तो इसका आंसर क्या है जी, मूव, क्योंकि जब आप किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो जो चीज़ है वो मूव करेगी। सेकेंड वन इज़ अ पुश और पुल फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स, एक पुश और पुल की जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट्स को क्या चेंजिंग करती है उसकी। जब आप किसी चीज़ पे पुश और पुल की फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उससे क्या होगा, उसकी चेंज होगी कंपनी, डायरेक्शन, कलर या नेम। सो टेल मी दैट आंसर इज डायरेक्शन, क्योंकि कंपनी चेंज भी नहीं होगी, ना कलर होगा, ना ही नेम चेंज होगा, उसकी होगी डायरेक्शन चेंज। जब आप इस चीज़ को फोर्स के साथ थ्रू कर रहे हो तो उससे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, वी कैन यूज़ द फोर्स ऑफ द विंड टू, हम फोर्स ऑफ विंड यूज़ करते हैं, हवा की फोर्स को किस लिए यूज़ करते हैं, कुक फूड, खाना पकाने के लिए, पुश आकार, कार को पुश करने के लिए, मेक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, और टीयर पेपर, पेपर टीयर करने के लिए। तो हमने भी पीछे रीडिंग में पढ़ा था कि हम लास्ट लेक्चर में कि जो विंड है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ होती है, उसकी फोर्स को हम यूज़ करते हैं। सो इसका आंसर है मेक इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ वन है हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन यू यूज़ फोर्स ऑन प्लेडो। प्लेडो पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है, प्लेडो क्या है, जैसे आप क्ले होती है जिसे आप खेलते हो, तो प्लेडो
क्ले को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज इट मेल्ट, वो मेल्ट होगी। इट स्ट्राइक्स बैक, ये वापस की तरफ आएगी। नथिंग, कुछ नहीं होगा। इट चेंज शेप, वो अपनी शक्ल तब्दील कर लेगी। तो जो एक क्ले है, जब आप उसके साथ प्ले करते हो, उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, तो उसकी शेप चेंज होती है। जी, ये थे हमारे जी MCQs। आपने इसको अच्छे से अपनी कॉपीज पे राइट करना है स्टूडेंट्स, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। ऑप्शंस यहाँ पे देखिए, तो वन लाइन में फोर राइट किएंगे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट लाइन में टू राइट करने हैं, देन सेकेंड सी और डी आपने नीचे वाली लाइन में राइट करना है। मतलब ए के नीचे सी आएगा और बी के नीचे आपकी ऑप्शन आएगी डी। ये आपका आज का वर्क था स्टूडेंट्स। आपने ये साइंस वर्क को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसको कॉपी पे राइट करना है स्पेस के साथ, और इसको बाद में आपने लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।